मैं हूँ आपके साथ शिवम सोनी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। बड़ी खबर मिल रही है बीजापुर से, जहां पर नक्सलियों ने सड़क कार्य में लगे वाहनों में आग लगा दी है। इसके साथ ही विधानसभा में सपा प्रत्याशी रहे संतोष पुनेम का अपहरण कर हत्या कर दी है। जी हाँ, बताया जाता है कि संतोष लंबे समय से नक्सलियों के टारगेट पर थे। सड़क का निर्माण लोथेड़ मरिमल्ला में किया जा रहा था। लंबे समय से नक्सलियों के टारगेट पर मृतक संतोष चल रहे थे। तो नक्सलियों ने बीजापुर में सपा नेता की हत्या कर दी है, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। साथ ही सड़कों पर खड़े वाहनों में आग भी लगाई है। सपा के प्रत्याशी संतोष पुनम रहे हैं, लंबे समय से नक्सलियों के टारगेट पर संतोष चल रहे थे। आपको बता दें, संतोष पुनम समाजवादी पार्टी से विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं और नक्सलियों ने बीजापुर में आज इनकी हत्या कर दी है। आपको बता दें, काफी समय से नक्सलियों के टारगेट पर सपा नेता संतोष चल रहे थे। इसके साथ ही नक्सलियों ने वहां पर खड़े वाहनों में भी आग लगाई है। सड़क कार्य में लगे वाहनों में आग लगाई गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सुराड एक्सप्रेस पर, जहां नक्सलियों ने सपा नेता संतोष पुनम की हत्या कर दी है। आगजन की घटना को भी अंजाम दिया है। विधानसभा में सपा प्रत्याशी रहे हैं संतोष पुनम और पहले इनका अपहरण किया गया, जिसके बाद नक्सलियों ने इनकी हत्या कर दी। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए बीजापुर से हमारे साथ हमारे संवाददाता पवन दुर्गम फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पवन, नक्सलियों ने सपा नेता संतोष की हत्या कर दी है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी, आपको बताना चाहूंगा, ये संतोष पुनेम समाजवादी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं और तकरीबन जो दो तीन विधानसभा चुनाव भी ये लड़ चुके थे। ये पूरा मामला जो है बीजापुर से लगभग 20-25 किलोमीटर दूर मोदक पास से होकर अंदरूनी क्षेत्र तालागुड़ा की तरफ जो सड़क निकलते हैं वहां पे निर्माण कार्य चल रहा था। कल नक्सलियों ने वहां पहुंचकर वाहनों में आगजनी की और इनका अपहरण करके वहां से ले गए थे। आज जो सूचना निकल के आ रही है सुबह की, इलमिणी थाना क्षेत्र के आसपास इनकी हत्या कर दी गई है और इनके परिजन इनके शव को इनकी सुध लेने जो गए थे उनको भी नक्सलियों ने बैरल लौटा दिया है, ये सूचना निकल कर आ रही है। जी, काफी समय से सपा नेता संतोष नक्सलियों के टारगेट पर चल रहे थे और पुलिस ने कुछ कार्रवाई की है इस पूरे मामले में? पवन, आपको बता दूं, बहुत लंबे समय से जो नक्सली है उनके टारगेट में ये रहे हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान इनको सुरक्षा भी मिलता रहा है, लेकिन एक बड़ी चूक कहीं ना कहीं इनसे हुई है कि वो अंदरूनी इलाकों में ये जाकर सड़क निर्माण का जो काम है वो कर रहे थे। आपको बता दूं, पुलिस के जो जवान है वो उस एरिया के लिए निकल चुके हैं, इनके शव के लेने के लिए उस तरफ निकल चुके हैं। जी, तो क्या जो आरोपी हैं जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई अभी तक की गई है? पवन, जी देखिए, जब भी नक्सली हत्या करते हैं तो तुरंत ये कह पाना बहुत मुश्किल होता है कि उसमें कौन लोग या कौन सा शामिल रहा होगा, लेकिन पुलिस की जांच में जरूर निकल कर आएगा कि कौन नक्सली और किन लोगों ने इनकी हत्या की और उन पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जी पवन, कल अपहरण होता है सपा नेता का और आज नक्सली उन्हें मौत के घाट उतार देते हैं, पुलिस एकदम कुछ नहीं करी, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, पुलिस वहां जाती, कोई कार्रवाई यहां देखने को नहीं मिली पुलिस की? पवन जी, कल तकरीबन शाम की घटना है और शाम के बाद वो पूरा इलाका जो है एक तरीके से नक्सलियों के कब्जे में रहता है और जहां से इनका अपहरण किया गया था वो सुदूर अंचल है, वहां पे पुलिस बहुत कम समय पे पहुंच पाती है। यही वजह है कि वहां से नक्सली जो है बहुत आसानी से उनको अपहरण करके ले गए, साथ में उनके जो वाहन थे वहां पे सड़क निर्माण कार्य में लगे थे उनमें आगजनी की है। पुलिस के लिए बहुत दिक्कत होती है घने जंगलों में जो रात के समय में गश्त करना और रात के समय में सर्चिंग का पाना बहुत कठिन काम होता है और वो आसान निशाना नक्सल के बन जाते हैं, इसलिए सुबह तड़के ही जैसे ये खबर निकल कर आई है तो पुलिस के जो जवान है वो डोमिनेशन पे निकल गए। जी, तो इस पूरी हत्या को लेकर समाजवादी पार्टी में साथ ही जो अन्य राजनीतिक दल हैं छत्तीसगढ़ में उनकी कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही है? पवन जी, आपको बता दूं, बहुत लंबे समय के बाद बीजापुर में इस तरह की फिर एक नक्सली ने हत्या की है, राजनीतिक दल से जुड़े नेता की हत्या की है। गोपालपट्टनम में जगदीश कोंडरा जिला पंचायत सदस्य थे भारतीय जनता पार्टी के, उनकी हत्या की थी। उसके बाद लंबे समय के बाद
इस तरह की घटना को नक्सल ने अंजाम दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जब नक्सलियों के टारगेट में थे उसके बाद भी ये उन्हीं के इलाके में जाकर काम कर रहे हैं, तो एक आसान टारगेट नक्सलियों को लेता। और सारे जितने जो राजनीतिक दल है, कांग्रेस हो, भाजपा हो, समाजवादी पार्टी, सब में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि नक्सली अब इससे एक संकेत देने की कोशिश है कि नेताओं को वो लगातार टारगेट करते रहेंगे। जी, ऐसा पहली बार नहीं है पवन जब किसी नेता की हत्या हुई हो। इससे पहले भी भाजपा विधायक भीमा मंडावी को भी नक्सलियों ने मार डाला था और अब संतोष पूनम की हत्या आज कर दी गई। तो ऐसा क्या है जो प्रशासन इन पर पाबंदी लगाने में नाकामयाब साबित हो रहा है? जी, आपको बता दें, ये पूरा जो इलाका है जंगली इलाका है, जो विकास के दावे पिछली सरकार में भी किए गए हैं, वो विकास दरअसल वहां तक पहुंचा नहीं है, लोगों तक वो विकास पहुंचा नहीं है, लोगों को जागरूक नहीं किया गया है। नक्सल मुहिम से लड़ने के लिए नक्सल उन्मूलन के नाम पे करोड़ों रुपए आते हैं, लेकिन उनका इम्प्लीमेंट जो है वो अंदरूनी इलाकों में नहीं हो पाता है, वहां तक सड़कें नहीं पहुंच पाती हैं, रोजमर्रा की जरूरतें, जरूरत के सामान नहीं पहुंच पाते हैं, मूलभूत सुविधाएं जो है वो वहां तक नहीं पहुंच पाती हैं। तो ऐसे में जो नक्सलियों की जो विचारधारा, उनकी जो मानसिकता, वो वहाँ के जो बोले वाले आदिवासी उन पर थोप कर वो अपना जो एक काला साम्राज्य है वो उस पूरे इलाके में चला रहे हैं। जी पवन, मौजूदा स्थिति क्या है और पुलिस की इस पूरे मामले में कार्रवाई अभी कहाँ तक पहुँची है? जी, अभी जो घटना स्थल है मरीमल्ला का जो इलाका है जहाँ बताया जा रहा है कि उनकी हत्या की गई है, ऐसा वहाँ पड़ा हुआ है, तो उसको लेने के लिए परिजन पहुंचे थे, लेकिन परिजनों को नक्सलियों ने जो है वो बैरंग लौटा दिया है और पुलिस का जो गश्ती दल है शव को बरामद करने के लिए निकल चुका है। जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया पवन जानकारी साझा करने के लिए। देश में काफी समय से एक साथ विधानसभा